हेलो दोस्तों, नए सोच नए सपने में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा पार्ट टू वीडियो है आप सभी के लिए कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या अदरवाइज अदर बिजनेस या अदरवाइज अदर वर्क। बिकॉज आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब में जाके लोग फिक्स हो जाते हैं, जैसे कि वो टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं और आराम से जो भी 10 से 4 की नौकरी होती है, जो भी जॉब होता है, उनमें जब वो वर्किंग पीरियड में रहते हैं तो भी तो ही टेंशन होता है, नहीं अन्यथा नहीं। लेकिन अदर सेक्टर में देख लिया जाए, एक बिजनेसमैन या एक अदर फील्ड का वर्कर जो हमेशा उसको टेंशन होता है, जैसे एक बिजनेसमैन तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की बात होती है कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट। हालांकि उनको इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे होती है वो अलग अलग विकास करते जाते हैं, लेकिन एक जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब होता है वो उसी में हो सकता है विकास करे या नहीं करे, वो अलग बात। लेकिन एक सोच सीमित हो जाती है, जैसा कि हमको यहीं पर रहना है, इसी में डेवलप करना है। अगर कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में 40-50 हज़ार का जॉब करा तो कभी नहीं सोचेगा कि 1 लाख का जॉब मंथली हो जाए, वो 60-70 हज़ार सोच सकता है। तो दैट इज हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब खराब है, लेकिन उसमें है कि एक निश्चित इनकम और एक सिक्योर लाइफ जीते हैं और उसमें कुछ इन्वेंस नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो आप सोच सकते हैं कुछ भी नया करने की सोच नहीं होते। लेकिन एक जैसे कि एक बिजनेसमैन को देख ले, हमेशा कुछ अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ नया तरीका ढूंढते रहता है कि हम किस तरह से अब कस्टमर को अपने पास बुलाए, किस तरह से कस्टमर को ऑफर दे, वो मेरे पास है। तो अपने अपने बिजनेस को डेवलप करते रहते हैं। जैसे एक अगर मान लीजिए कोचिंग का कोई कोचिंग खुला है तो वो सोचते रहता है कि अलग अलग जगह पर कोचिंग हो। कुछ लोगों को मानना है कि एक अगर कोचिंग करा रहे हैं तो वो वन एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। लेकिन कोई भी सेक्टर में देख ले, अगर बाय द वे अगर कोई भी स्कूल खोला तो वो स्कूल में ही सीमित हो जाता, वो एक्स्ट्रा नहीं कर पाता। हाँ, हो सकता है एक आध और स्कूल खोले। तो दोस्तों, ये सब होता है कि अगर कोई भी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब या अदर सेक्टर, तो हम बेस्ट मानते हैं कि बिजनेस सेक्टर का, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। इसमें लाइफ में बहुत सारे घूमने का अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जगहों पर जाने का या अदरवाइज बहुत विदेशों या घूमने का अच्छा अपने शौक को पूरा करने का बहुत ऑफर मिलते रहता। और ऑफर क्या कि उसमें टाइम भी आता है कि चलो हम अपने बिजनेस को 10 दिन के लिए, 1 महीना को किसी को माने किसी को मैनेजर को या किसी को पोस्ट कर देते हैं और उसको दे देते हैं, जिससे वो हमारा बिजनेस और हम उससे कांटेक्ट करते रहेंगे जिससे। लेकिन एक अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप विदेश, हालांकि छोटे मोटे पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं, अगर बड़ा पोस्ट है तो मे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें उतना फ्रीडम नहीं है जितना फ्रीडम एक बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन का टेंशन है, बहुत सारा टेंशन है, उसको हमेशा टेंशन होता है, दिन रात सोचते रहता है कि कैसे हम अपने आप को डेवलप करें लेकिन एक जो भी जॉब करते हैं वो सिर्फ जितना देर ऑफिस वर्क होता है उतना ही देर टेंशन में, घर पे आके खुशहाल जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक बिजनेस घर पे भी आते हैं तो सोचते हैं कि कैसे हम अपने आप बिजनेस को डेवलप कर पाए। लेकिन हाँ, बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट जॉब के अपेक्षा ज़्यादा, लेकिन उनके पास टेंशन रहते हैं रहता है, जिसे वो बहुत टेंशन से के साथ साथ उनको खुशी भी मिलती है बहुत सारे, क्योंकि अन्य जगहों पर घूमना, अन्य जगहों पर विदेशों का टूर करना या भारत के अन्य शहरों में टूर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी घूमना बहुत पसंद है, हमने भी भारत के बहुत राज्यों को घूमा है
और इसीलिए हम मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों का हेल्प करूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे मेरे वीडियो से लोग इंस्पायर हो, जिससे इंस्पायर होकर कुछ नया करें। और हर एक सेक्टर में वीडियो मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बिजनेस सेक्टर सोचना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर भी सोचना चाहिए, लेकिन एक आप जब भी गवर्नमेंट की तैयारी करें तो तैयारी बेस्ट वे कीजिए, हमेशा एक चीज़ पर फोकस करें। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पार्ट वन में बताया गया है कि एक चीज़ पर फोकस रहना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फुल्ली बिजनेस पर फोकस रहे, आपको जरूर सफलता मिले। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वहाँ पर एक फुल्ली उस पर फोकस रहें, जिससे वो आपको जल्दी मिलेगा। अगर आप फोकस नहीं रहते हैं तो क्या होगा, वो लेट से मिलेगा, मिलेगा हो नहीं भी मिले। अगर कोई व्यक्ति 5 साल 7 साल तैयारी करता है और उसको जॉब न मिलने के कारण बहुत सारे कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं कर पाता, समय समय पर अपना आकलन नहीं कर पाता, वो मल्टीपर्पस पर भिरा हुआ रहता है और साइड साइड में कुछ काम भी करते रहता है, बहुत सारे काम, और पढ़ाई पर फोकस कम रहता है, सिर्फ लगे रहना कि हम तैयारी में लगे हुए। तो दैट इज, ये बहुत बड़ी गलती है जिससे बहुत सारे परेशानी, कि तैयारी करते रहते हैं और उनको अनसक्सेसफुल होते रहते हैं। तो इस तरह से नहीं तैयारी करें, तैयारी करें बेस्ट में, एक बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म तैयारी करें। अगर जिस फील्ड में बढ़ना है उस फील्ड का बेस्ट, कि हाउ टू प्रिपरेशन यूट्यूब पर सर्च करें कि प्रिपरेशन कैसे करें, जो भी सेक्टर आप सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में, और उसको कितना देर पढ़ाई करें कि वो क्वालिफाई कर जाए, ये सारे चीज़ वीडियो या उसका PDF डाउनलोड करें, जिससे उसका पूरा बेहतर हो जाए और उसको बेहतर और बेहतर बेहतर उसका पूरे बारे में जानकारी कर लें और फिर प्रिपरेशन करें, मज़ा आ जाएगा दोस्तों और आप सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के हमेशा कुछ ना कुछ रीड करते रहिए। एक और चीज़ बात कि आप अगर चाहते हैं कि हम रोज दिन डेवलप हो, लेकिन और एक बताता हूँ कि लोग यहाँ के लोग माने यहाँ बिहार के लोग क्या होते हैं ना, एक जॉब पा लेते हैं तो उसके बाद आगे की सोचना बंद होते हैं, वो अपने फैमिली जीवन में व्यस्त होते आते हैं और कुछ नहीं क्या सोचते हैं, सिर्फ फैमिली के बारे में। और जैसे कि एक जॉब 20-25-30 हज़ार का जॉब कोई कर रहा है तो वो जॉब मिल गया तो उसके बाद बुक पढ़ना बंद, पेपर पढ़ेंगे माने आउट ऑफ खबर पढ़ेंगे, जिससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, कौन किसी का मर्डर कर गया, वो कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये सारी बातों को एक्स्ट्रा नॉलेज को ग्रहण करेंगे, लेकिन अपने लाइफ में बेहतर कैसे बनना है, बेहतर कैसे होना है, या कोई बुक पढ़ लेते हैं जो इंस्पायर बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की है, तो वो अपने लाइफ को कैसे डेवलप किए, दैट इज ये नहीं पढ़ पाते हैं, तो जिसके कारण वो पिछड़ते रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बने रहते हैं, और एक्चुअल में ये बात है कि वो खुश रहते हैं, इसीलिए वो अपना आपको सोच नहीं पाते और बेहतर कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगी आप जिस फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में, तो कुछ बड़ा करने का सोचिए कि जहाँ पर है उस लेवल से उठ जाए, ऐसा कुछ करें कि आपके बच्चे आपको कहे कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहूँगा, किसी और के जैसे नहीं, खुद के माने अपना घर के इंस्पिरेंस खुद हो, दूसरे ना हो। इसीलिए आप कुछ ऐसा करें, हमारा यही उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे, जिससे हमारा समाज और ऊंचाई पर पहुंच सके, जो भी है जहां पर है जिस फील्ड में वो बेहतर करे। तो दैट इज
इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूं और हमारे तीसरे वीडियो में बताया जाएगा कि जो आप किसी एक पार्टिकुलर पर प्रिपरेशन पर बताया जाएगा कि हाँ प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे करना चाहिए, छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज भी दिया जाएगा और एक पांच किसी काम को करते हैं तो पांच लोग पांच बातों का ध्यान रखें कि लोग क्या कहेंगे, मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे समय नहीं है, और चौथा है लोग क्या कहेंगे। दैट इज ऑल, ये सब पर जो ध्यान देता है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। कि अगर कोई बच्चा है भर दिन आगे बाहर बैठ के पढ़े तो लोग कहेंगे आज तो बच्चा बहुत ज्ञानी हो गया, समझ, माने बहुत आर्गुमेंट का, वो दूसरा दिन से क्या करेगा, पढ़ना ही बंद कर देगा, बार बार पढ़ना ही, घर में पढ़ेगा जितना देर पढ़ना है पढ़ेगा, उसके बाद छोड़ देगा। तो दैट इज आप लोगों से इंस्पायर हो ना कि डाउन हो। इसलिए इसी के साथ आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो मैं मुझे लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जैसे जिसे मेरा उत्साह बढ़ता जाता और उससे इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे और वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि बेहतर वीडियो दे जिससे आपके लाइफ में कुछ बदलाव हो। आपका कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, लेकिन मेरा बहुत कुछ अच्छा होता है क्योंकि इंस्पायर होता हूँ और आप बेहतर करने का आपको